स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से तबाही का मंजर है। अब मरने वालों का आंकड़ा पहले से बढ़ गया है। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। वहीं सेना के 22 जवानों समेत 102 लोग लापता हैं। बादल फटने से आई बाढ़ की वजह से गंगटोक में 3 लोगों की मौत हो गई है और 22 लोग लापता हैं और 5 लोग घायल है। मंगन में 4 लोगों की जान गई और 16 लोगों का कुछ भी अतापता नहीं है। पाक्योंग में 7 लोगों की मौत हुई और 59 लोग और 23 आर्मी के जवान लापता हुए हैं और 21 लोग घायल हुए हैं। नामची में बाढ़ की वजह से किसी की भी जान नहीं गई है और 5 लोग लापता हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।